सरकार चुप है, मौन है। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के साथ उसकी जल जंगल जमीन को छीन लेना चाहती है। षड्यंत्र यही भारतीय जनता पार्टी का, आदिवासी मुख्यमंत्री बना दो ताकि आदिवासी कुछ बोल न सके, और आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते ही आदिवासियों की पिटाई हो रही। एक तरफ बस्तर में फर्जी एनकाउंटर की भी शिकायतें आई और दूसरे तरफ अब सरगुजा में पिटाई का मामला आ रहा है। विष्णु देसाय एक बार भी कुछ नहीं बोला, वो मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। जो धर्मजीत जी प्रस्ताव आ गए तो वो मौन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदस्य हो गए, तो दोहरा चरित्र कैसे? ये कार्रवाई क्या इनलीगल है? कटाई की अनुमति नहीं है फिर भी काट रहे हैं, या इनलीगल वे पे हो रहा है क्या ये? देखिए, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, सर्वसम्मति से हुआ है। सभी दलों ने कहा कि नए खदान के लिए पेड़ कटाई नहीं होना चाहिए। चौबे जी उसमें थे, उधर यूडी मींज है, उधर गुलाब कमरो हैं, ये सारे विधायक उस समय थे, और सब लोगों ने कहा कि नए खदान के लिए जो चलती खदान है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलती खदान बंद नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि उस समझौते के तहत दिया गया और चल रहा है। नए खदान के लिए नहीं होना चाहिए, और एलिफेंट कॉरिडोर के लिए भी हमने जो रमन सिंह के समय 450 वर्ग किलोमीटर की स्वीकृति मिली थी उसको भी नोटिफाई नहीं किया था, और हम लोगों ने उसको बढ़ा के कई गुना वो हरदेव अरण को हम लोगों ने एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में, करीब 23 खदान ऐसे थे जिसको एलिफेंट कॉरिडोर के दायरे में ले आए हम लोग। सरकार चुप है, मौन है। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के साथ उसकी जल जंगल जमीन को छीन लेना चाहती है। षड्यंत्र यही भारतीय जनता पार्टी का, कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना दो ताकि आदिवासी कुछ बोल न सके, और आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते ही आदिवासियों की पिटाई हो रही। एक तरफ बस्तर में फर्जी एनकाउंटर की भी शिकायतें आई और दूसरे तरफ अब सरगुजा में पिटाई का मामला आ रहा है। विष्णु देसाय एक बार भी कुछ नहीं बोला, वो मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। जो धर्मजीत जी प्रस्ताव आ गए तो वो मौन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदस्य हो गए, तो दोहरा चरित्र कैसे? और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा।